Friend, this is my second video of Forest and Wildlife Resources of Geography Chapter Class 10. So let's understand the topic, the causes of depletion of the forest and wildlife. मतलब वो कौन-कौन से कारण हैं जिसमें forest का depletion होता है, या decrease होता है, या wildlife का decrease होता है. तो पहला है loss during the colonial period. बिल्कुल यहाँ पे एक पहला word यही कहा गया है कि बहुत सारा loss हुआ है colonial period समय. Colonial period में तो क्या हो गया? आपका British समय. British के आते के साथ जंगलों को काटने लगा गया, जंगलों का इस्तेमाल रेलवे बनाने में, डैम बनाने में, इन चीज़ों में लगाने लगा. तो उस तरह से बहुत सारा डिप्लेशन हुआ कॉलोनियल पीरियड में. तो ये कारण हो सकता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिप्लेशन होने में. दूसरा कारण है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. बिल्कुल एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए भी आपका डिप्लेशन हो सकता है. जैसे 1980 में सर्वे किया गया कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया वास कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड. मतलब यहाँ पे ये कहा गया 1980 में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था फॉरेस्ट का, उसको काट कर एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया गया है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है डिप्लेशन हो रहा है. फिर लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. बिल्कुल बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट के कारण भी पेड़ों को काटा गया है, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट या माइनिंग एक्टिविटी, ग्रेजिंग एंड द फ्यूल वुड कलेक्शन. इन सभी के कारण क्या होता है, आपका बिल्कुल डिप्लेशन होता है किसका, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, टॉपिक है फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या क्या कारण हो सकता है. तो पहला कारण यहाँ लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, कि अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्स. मतलब बिल्कुल सही कहा गया है, कुछ लोगों के पास रिसोर्स ज़्यादा होता है, किसी रिसोर्स के पास कम होता है, इसलिए जिसके पास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा यूज कर लेते हैं. तो इससे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा. डिग्रेडेशन मतलब डिक्रीज इन द लैंड, लैंड का जो फर्टिलिटी है या क्वालिटी है उसमें डिक्रीज होना, या इन्वायरमेंट में कमी होना. अनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज. बिल्कुल रिसोर्सेज का अनइक्विटेबल कंजप्शन होना. डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एनवायरनमेंट. देखिए डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों को दिया गया है. इस प्रकार से ये सब फैक्टर है किसका, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का. सो चलिए आते हैं, हम लोग पास नया टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बेनिफिट. अगर मान लीजिए हम लोग कन्वर्जेशन करते हैं, सुरक्षित रखते हैं फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, तो उसका क्या बेनिफिट है. तो सबसे पहले देखते हैं, इट प्रिजर्व आवर सपोर्ट सिस्टम. ये हमारे सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखता है, जैसे वाटर, एयर, सोयल, सबको सबको एकदम बिल्कुल बना के रखता है, ख़त्म नहीं होने देता है. इट आल्सो प्रिजर्व द डिवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. बिल्कुल जो डिवर्सिटी है, बहुत सारे वेराइटी जो है प्लांट एंड एनिमल का, उसको भी बनाए रखता है. फिशेस आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एक्वाटिक प्लांट. बिल्कुल पानी के अंदर भी बहुत सारा प्लांट रहता है, फिशेस उस पर बिल्कुल डिपेंडेबल रहते हैं, तो ये सभी चीज़ों को बचाएगा. चलिए उसके बाद हमारे पास है 1972 के बारे में कुछ बातें. 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, और इस इंडियन एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट का जो काम था, वो नेम ऑफ द, इसमें जो लिस्ट था, मतलब इसमें बहुत सारे लिस्ट में बातों को इंक्लूड किया गया. पहला बात था कि नेम ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पाइसेस, किस किस मतलब इस एक्ट के अनुसार किन किन स्पाइसेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका नाम लिखा गया. एम टू स्टॉप ह्यूमन हंटिंग, जो ह्यूमन हंटिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए एम रखा गया है इसमें. प्रोटेक्ट एनिमल हैबिटेट, एनिमल का जो हैबिटेट है, मतलब वो जिस जगह में रहना चाहते हैं उसको बचाए रखने के लिए काम किया है. स्टॉप एनिमल ट्रेडर, और एनिमल का जो ट्रेडिंग होने लगा, व्यापार को भी रोका गया. तो ये सब कुछ प्रोटेक्शन एक्ट बना था इंडियन का, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें इस तरह से फॉरेस्ट को, स्पाइसेस को, सबको सुरक्षित रखने का बात किया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मेक प्रोजेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दोनों को दोनों ने प्रोजेक्ट बनाया इसी एक्ट के अनुसार, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे, जहाँ पे शरण स्थान, मतलब कि जहाँ पे जानवर रहेगा. उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो हमारे पास जो है बहुत सारा क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का, बट फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे पहले रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में. रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया जो आपका मोर देन हाफ से ज़्यादा है, मोस्ट वैल्यूएबल फॉर द कन्वर्जेशन. मतलब कि ये इस तरह का फॉरेस्ट जो है रिजर्व होते हैं, मतलब कि हाफ, मोर देन हाफ जो फॉरेस्ट है बिल्कुल रिजर्व रखा जाता है भारत सरकार के द्वारा. और कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जिसको प्रोटेक्ट करके हम लोग रखते हैं, जैसे 1/3 ऑफ द टोटल जितने भी फॉरेस्ट है उसको 1/3 को हम लोग प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फर्दर डिप्लेक्शन, ताकि वो ख़त्म ना हो जाए. उसके बाद है हमारे पास अनक्लासेस फॉरेस्ट, जो आपका ये दोनों में नहीं आता है उसको हम लोग इसमें रखते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिजर्व के अलावा
रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अलावा अगर कुछ और भी फॉरेस्ट है तो हम उसको क्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर रखते हैं। ये फॉरेस्ट जो है अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड होते हैं, बिलोंग टू द गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल और कम्युनिटी। ये इस तरह का जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी हो सकता है और किसी कम्युनिटी का भी हो सकता है। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक है कम्युनिटी एंड द कन्वर्जेशन। इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कम्युनिटी एंड द कन्वर्जेशन में। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि राजस्थान में सास्का टाइगर रिजर्व पे ध्यान दिया गया, मतलब बनाया गया है। यहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी मूवमेंट हुआ था, मतलब कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कम्युनिटी को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कन्वर्जेशन करने के लिए सालका टाइगर रिजर्व को बचाया गया जो राजस्थान में है। अलवर डिस्ट्रिक्ट का भी हिसाब, मतलब वहाँ पे भी सुरक्षा दिया गया। चिपको मूवमेंट बनाया गया जो हिमालय में है, इसमें क्या हो रहा था, कम्युनिटी फॉरेस्टेशन को बढ़ा रहा था। उसके बाद फिर हमारा पता है JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस तरह का और भी कम्युनिटी बनाया, संस्था बनाया ताकि फॉरेस्ट को सुरक्षित किया जाए। मतलब ये जो भी बातें हैं सब फॉरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। ठीक है, सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड एंड दिस चैप्टर इज आल्सो कम्प्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट। थैंक यू।